खाते हैं। इसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है, यहाँ कोई परिंदा क्या इंसान तो दूर की बात है यहाँ पर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है यशिका। इस वक्त हम पहुँचे हैं सागरपुर में। आज हम निकले हैं सागरपुर में शौचालयों का सर्वे करने। जैसे आपको पता है, सरकार ने शौचालय तो बनवा दिए, पर उनकी देख रेख करना क्या उनकी जिम्मेदारी थी? क्या उस देख रेख अभी भी सही हो रही है? आपको दिखा दे, ये टॉयलेट ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर पेड़ों से ये ढक चुका है ये टॉयलेट। कोई कह नहीं सकता कि ये शौचालय है। आपको दिखा दे, आपको इसके अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि इसकी हालत कितनी बुरी हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। ये प्रशासन की भूल है या फिर क्या है? आपको दिखाए, अंदर इतने मच्छर हो रहे हैं कि इनका डेंगू का खतरा हो सकता है। अगर कोई इस टॉयलेट को अंदर यूज करने जाए तो उसको इन मच्छरों ने काट लिया तो उसको कोई भी रोग हो सकता है। क्या ये प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है? इन टॉयलेट की सफाई करना अहम कार्य है, पर अभी तक इसकी सफाई नहीं की गई है। जगह जगह स्पॉट्स पड़ चुके हैं। आइए लोगों से जानते हैं इस टॉयलेट की बुरी हालत के बारे में। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमवीर है। सर, कितने टाइम से टॉयलेट बना और इसकी हालत कितने टाइम से बुरी हो चुकी है? मैं 2 साल से यहाँ पे, मेरा आना जाना है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ पे है ना, कभी तो कोई सफाई कर्मचारी होते हैं, मगर वो है ना, मतलब कि जब कभी लेटरिन जाओ, कभी पानी है कभी नहीं है। और बताइए, अभी मैं अब कोई रोड पे सरकार ने बनाए हैं कहें तो आम पब्लिक के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, और ये ड्यूटी क्या करते हैं? तो क्या आपने इस पे कंप्लेंट की है? इसके बारे में जो पहले जो आए थे ना, और उसके बाद में एक मतलब कोई पार्टी वाले आए थे, उन्होंने भी ऐसे पर्चे अपना नाम लिखवा के हमसे लेके गए कि हम कंप्लेंट करेंगे। कौन सी पार्टी थी ये मेरे को ध्यान नहीं है, है? उसके बाद में मतलब कि हमको भरोसा दिलाया गया कि ये मतलब कि सारी सुविधा चालू हो जाएगी। उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये पैसा लूटने का, पब्लिक से जेब से सारा पैसा जा रहा है, और बना बना के ये लेटरिन बना दिए। हम तो मर्द हैं, कहीं भी कर लेंगे, जो लेडीज का क्या होगा बोलो? जो लेडीज के बारे में सरकार बोलती है कि लेडीज के लिए भी ये बाथरूम लेटरिन बना दिए रोड पे, अब जो लेडीज को आएगा तो वो कहाँ जाएगी बोलिए? इसमें तो सरकार की सबसे बड़ी चूक है ना। ये सरकार जो करी है ना, गरीबों के लिए कुछ नहीं करी है, अमीरों के लिए तो बैंक लोन ले लो, ये ले लो, वो सब कर रही है, गरीबों के लिए कोई सुन नहीं रहा। अब तो आगे MCD चुनाव आ रहे हैं, तो उस पर आप किसको वोट देंगे, या फिर ऐसी हालत देख के आप क्या वोट भी देंगे? बहुत सोचना पड़ेगा कि किसको दिया जाए, और हम जो भी काम करेंगे, वोट देना चाहेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह सोच समझ के देंगे। अगर सरकार ये हमारा गरीबों का साथ नहीं दे रही, हम सरकार को भी गिरा सकते हैं, हम पब्लिक है। हम कितने समय से यहाँ पर आप देखते आ रहे हैं? जब से इसमें है ही नहीं पानी, है ही नहीं, बिना पानी गई है। इस पर आपने क्या कंप्लेंट करवाई? हमने कुछ कंप्लेंट नहीं करा, खाली खाली बाथरूम है इसमें खाली बस। आपको इस पे कंप्लेंट तो करवानी चाहिए, अगर आपको असुविधा हो रही है तो इस पे कंप्लेंट की आवश्यकता थी? हमें क्या, सब कोई हो रही है, जितनी भी अपनी सब कोई हो रही है, हमें क्या, हम तो कहीं भी कर लेंगे। तो इस पर आप प्रशासन से क्या कार्रवाई करने के लिए कहेंगे? यही करो, पानी वानी का सुविधा करो। और जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को देंगे, BJP को देंगे। उन्होंने अच्छा काम किया है? आम आदमी का ठीक है, दिल्ली में ठीक है, साफ है। अभी हम पहुंचे हैं सागरपुर के दूसरे शौचालय की तरफ। आइए बढ़ते और देखते हैं इसकी हालत कैसी है। MCD ने यहाँ कैबिन बनवाया है, तो शौचालय कहाँ है? शौचालय ये तो बंद है जी। अच्छा, आप यूज करने के लिए देखे, लेकिन आपने इसका गेट खोल नहीं रखा है। अभी हम आगे भी देख के आए हैं, उसकी हालत भी बुरी हो रखी है और उसके सारी गेट्स बंद पड़े हैं। अब लोग कैसे यूज़ करेंगे, पब्लिक को थोड़ी ना पता होता है। नहीं, बंद है, हम देख के आए हैं। आप आइए, चलिए दिखाते हैं हम आपको आगे वाले टॉयलेट की हालत और बंद कैसे है वो। ये महिलाओं का टॉयलेट है, और देखिए सुविधा के नाम पर यहाँ पर सरकार की ओर से ताला लगा हुआ है। किसने लगाया ये ताला, किसकी चूक है ये? हमने आपको शौचालय की हालत दिखाई, अब लोगों से जानते हैं इसके बारे में
ये महिलाएं हैं, इनकी चाय की शॉप यहीं पर ही है, आइए जानते हैं इनसे। ये शौचालय यहाँ से कब से बंद पड़ा है? जब से बना है जब से बंद है जी। इन्होंने कहा इनके पास चाबी और यूज करने के लिए देते हैं? नहीं, गलत बात है ये गलत बात है। उसी में एक बैठा रहता है, वो हाजिरी देता है, मगर उसमें कोई बंदा आता नहीं है, समझे? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम डरते का थोड़बे, कमा रहे तो खा रहे, कोई विधायक दे रहा है का खाने को? कोई विधायक नहीं देता खाने को, समझे? और ऊपर से आके यहाँ धो दिखाएंगे, ये हटवा देंगे, वो हटवा देंगे, वो हटवा देंगे, समझे? तो यहाँ पर आपको असुविधा नहीं होती? यहाँ पर साथ में टॉयलेट है? कोई सुविधा नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, समझे? ये पुलिस के जोर से ये बनाई गई है, ये नाले में हुआ का लिखित था बनाने का, मगर ये जबरदस्ती यहाँ ने बनवाई है, पूनम जिंदल ने यहाँ बनवाई। पूनम जिंदल जी ने यहाँ बनवाया है, पर अभी तक यूज में नहीं आई? यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं चला है, जैसे बंद है वैसी बंद है, समझे? जब कोई आता है ना, जब ये फटाफट खोल देते हैं कि चेकिंग आ रहा है, न तो कोई, जब अफसर आता है जब ये खोलते हैं न तो के बाद बंद रहता है, इसमें पब्लिक आता है गाली देके जाता है। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। कितने टाइम से टॉयलेट की हालत ऐसी है? जी ये इसको करीब हो गए 2-2.5 साल हो गए। इस पर आपने प्रशासन से बात की है? पहले का बना हुआ है मैम, ये लॉकडाउन से पहले से बना हुआ है, लेकिन क्या ऐसे ही बंद है? हाँ ऐसे ही बंद है, और इसमें एक व्यक्ति आता है इसके केबिन में बैठ के और 8 घंटे की ड्यूटी लगा के चला जाता है। तो उस व्यक्ति से आपने कभी पूछा नहीं कि ये बंद क्यों रहता है और उसको आपने खोला क्यों नहीं? वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर वाले साहब जाने। अच्छा, ऊपर वाले साहब जाने, यानी कि एमसीडी की सबसे बड़ी भूल है ये जी। और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं कार वाले, वो टूरिस्ट जो मतलब कमर्शियल विकलांग वाले आते हैं, अपने बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, इसमें अंदर बढ़ते हैं, तो बढ़ के जब वो बेचारे परेशान होते हैं तो उनके लिए सुविधा के लिए हम अगर यहाँ खड़े होते हैं मौके पे तो उनको हम भेज देते हैं प्राइवेट में कि जी लाजवंती चले जाओ, कि जी पालम चले जाओ, वहाँ आपको सुविधा है। अदरवाइज इस रोड पर जितने भी शौचालय हैं एक में भी सुविधा नहीं है, और नांगल से लेकर मंगलापुरी तक जितने शौचालय बने हैं सभी बंद है। सभी बंद है। तो आप जैसे जानते हैं एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या जनता इनको वोट देगी जिनकी शौचालय की हालत इतनी बुरी हो चुकी है? मतलब ही नहीं बनता मैम, मतलब ही नहीं बनता है। आप भी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो दिखाया है कि ये एक अफसर आए थे बोले 25 लाख की लागत में हमने शौचालय बनाया पब्लिक के लिए, लेकिन कोई भी इसमें आज तक ये नहीं देखा कि 25 लाख का शौचालय होता कैसे है, अंदर इसमें क्या है क्या नहीं है, पानी की असुविधा सुविधा कुछ भी नहीं, सीट भी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और कोई अगर इसके आगे गाड़ी वोड़ी कोई खड़ी कर जाए तो ये लोग उस आधार पर आते हैं, पर्ची काट का चलन काट का उसका ऊपर भेज देते हैं कि हमारे इसमें फंड में पैसे जमा करो, गाड़ियां क्यों खड़ी करी। हर तरफ से देखा जाए तो उनकी हर तरफ गलतियां ही गलतियां हैं। एमसीडी में अब से 4-5 महीने पहले भी ये भागे थे बीजेपी वाले कि कहीं केजरीवाल जीत ना जाए, लेकिन लास्ट में केजरीवाल ही जीतेगा क्योंकि इस दिल्ली की उसको ज़रूरत है कि एमसीडी में केजरीवाल आए और 5 साल के अंदर उसको सुधार करे। बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ परेशान है एमसीडी से, बहुत ज़्यादा। तो आज देखिए आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट शौचालय के ऊपर, आज हमने जितने भी सागरपुर के शौचालय थे हमने उन पर आज ग्राउंड रिपोर्ट की, तो आपने देखा किससे कितनी बदतर हालत हो चुकी है इन शौचालयों की, जहाँ ना साफ सफाई के नाम पर ना कोई आदमी है और ना ही साफ सफाई का नाम है। कैमरामैन अमित के साथ यशी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।